उसका रिप्रेजेंटेशन और फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। तो वीडियो से आपको आने आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं और बार बार करते आ रहे हैं कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। शेयर करो, लाइक करो, इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु किसी तत्व के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एक ही यदि प्रेजेंटेड बाय जेड, इसको जेड से दर्शाया जाता है। एज वी नो दैट इन एन न्यूक्लियस दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू पी। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल है। कार्बन एटम हैज सिक्स प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हेंस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज सिक्स। अब है मास नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं, और परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है इसको। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस एलिमेंट का मास नंबर कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। तो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए इक्वल्स टू पी प्लस एन हो गया, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब पी के जगह पर हम जेड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेड इक्वल्स टू पी है। तो ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू ए माइनस जेड, यानी कि वी कैन गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम ए माइनस जेड, मतलब पर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर यदि हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। ये तीनों फार्मूला की सहायता से किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में या एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ताकि इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इन सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो किसी एलिमेंट के सिंबल में मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कैसे दर्शाया जाता है। देखो यहाँ एक्स एक एलिमेंट, मान लो अननोन एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर भी है, तो मास नंबर को ए से ऊपर में और एटॉमिक नंबर को जेड से नीचे में दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल तुम्हारा सोडियम का है, मास नंबर तुम्हारा 23 और एटॉमिक नंबर तुम्हारा 11। अब है न्यूमेरिकल तुम्हारा, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8। किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड चार्ज ऑन 8। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका चार्ज क्या होगा। तो आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू पी कॉस डी होता है, चूंकि प्रोटॉन की संख्या 8 है, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 8 होगी। और चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी 8 है और नेगेटिव चार्ज भी 8 है, इसलिए इसका चार्ज तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। नंबर सेकंड है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4u। हीलियम एटम का एटॉमिक मास 4u है और उसमें 2 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, उसमें कितना न्यूट्रॉन्स होगा। तो एक फार्मूला तुमको दिए हैं, एन बराबर ए माइनस जेड, ए तुम्हारा 4 है, जेड बराबर 2 है, तो जेड माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। थर्ड है तुम्हारा द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैज मास नंबर 23। एक एलिमेंट का एटॉमिक न्यूक्लियस में मास नंबर 23 है और इसमें 12 न्यूट्रॉन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स सिंबल। कहता है इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका सिंबल क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इक्वल्स
to 23 minus z, therefore z equals to 23 minus 12 equals to 11. क्योंकि ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए यह एलिमेंट सोडियम है, उसका सिंबल Na है। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आएगा, हल्का क्वेश्चन, इस ज्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल व्हिच इज गिवन बाय बोर थ्योरी, बोर थ्योरी, इसलिए इसको बोर थ्योरी योजना है, बोर थ्योरी स्कीम का है, वो बताएंगे। और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताएंगे। ये दोनों चीज आज इतना ही।